हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का थ्योरी यानी फॉर्मूला कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का कि कोई त्रिभुज है समकोण, जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है, और दो साइड ए बी और बी सी दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, तो एक हम त्रिभुज बना दिए जिसका यह 90 डिग्री है यानी बी समकोण है, तो यह हो जाएगा ए और सी। कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने जो भी भुजा होता है वह क्या होता है? हाइपोटेनस यानी एच होता है ना। चलिए तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यह एच है तो इससे देखेंगे तो यह पी हो जाएगा और यह बी हो जाएगा। अगर इस एंगल ए से देखेंगे तो सामने वाला पी हो जाएगा और यह बी हो जाएगा। चलिए तो एच बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी एच मीन्स हाइपोटेनस होता है, पी मीन्स परपेंडिकुलर होता है, और बी मीन्स बेस होता है। चलिए तो पहले एच हम लोग फाइंड कर लेते, तीनों भुजा फाइंड कर लेंगे तब इसका रिलेशन निकालेंगे हम लोग। तो एच निकालने के लिए हम कर्ण के स्क्वायर एच निकालने के लिए हम लंब के स्क्वायर और धार के स्क्वायर का अंडर रूट निकालते हैं। तो पी का मान कितना है अगर इससे हम देखते हैं, तो पी का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का 49। ऐड करेंगे तो आएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो यानी हमको एच का मान कितना प्राप्त हुआ? 25 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। चलिए हम लोग साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए पहले देख लेते हैं हम लोग। तो साइन ए, ए कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम लोग कोण ए से देखेंगे। तो कोण ए से देखेंगे तो सामने वाला भुजा क्या होगा? पी। सामने वाला भुजा कौन है? बी सी, और जो बच जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए बी। यानी होता है इसका पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। अगर ए से देखेंगे साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, तो कह रहा है कि ए कौन से देखेंगे, तो ए से देख रहे हैं तो सामने वाला पी हो जाएगा, यानी बी सी पी हो गया। और तो चलिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अगर ए से कर रहा है देखने के लिए, तो ए से देखेंगे तो सामने वाला बी पी हो जाएगा यानी बी सी, और एच हो जाएगा आपका ए सी। तो बी सी का मान दिया है 7 और ए सी का मान दिया है 25। उसी तरह कह रहा है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो ए से देखना है, तो ए से देखेंगे तो यह पी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बच गया सो बी। तो यानी ए बी बटा एच का मान ए सी, ए बी का मान है 24, एच का मान 25। आंसर समझ में कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी का कि साइन, सेकेंड नंबर है साइन सी कॉमा कॉस सी। चलिए साइन सी, साइन सी कहने का अर्थ क्या हो गया? यानी सी से हम देखेंगे तो मान लीजिए अगर हम सी से देखते हैं तो सामने वाला पी होगा, तो यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो सामने वाला पी कौन हो जाएगा? ए बी बटा, और एच तो हमेशा वही रहेगा ए सी। तो ए बी का मान है 24, इसका है 25। उसी तरह इसमें दिया है कॉस सी, तो कॉस सी का मतलब क्या होगा? कॉस थीटा बी बटा एच। अगर हम पी से सी से देखेंगे तो यह जब पी होगा तो यह क्या बच गया सो क्या होगा? बी। यानी
बीसी बटा एसी, बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25 आंसर। तो यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कह रहा है कि आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना। चलिए पहले आकृति हम लोग देख लेते हैं कि है क्या। यह दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यह पी क्यू और आर। तो मान लीजिए 90 है तो हमेशा एच होगा। चलिए इससे देखने तो यह पी हो जाएगा या बी हो जाएगा। तो चलिए इसी से देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा पी, तो यह बच जाएगा तो क्या हो जाएगा बी। तो बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 25। इसका मान हमको कितना निकल गया, 5। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो टेन पी, पी मतलब हम पी कौन से देखेंगे, इससे देखेंगे हो जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं, टेन थीटा होता है पी बटा बी और कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। तो पी कह रहा है तो पी से देखेंगे तो सामने वाला पी हो जाएगा और यह हो जाएगा सो बी। कह रहा है कि टेन पी मतलब पी कौन से देखना है, तो इससे देखेंगे सामने वाला पी हो जाएगा, यानी पी कितना है क्यू आर और बी हो जाएगा पी क्यू माइनस। अब कह रहा है कि कॉट आर, कॉट आर मतलब आर से देखेंगे तो सामने वाला पी हो जाएगा, बीच बच जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। चलिए मान रख देते हैं क्यू आर का 5/12 माइनस क्यू आर का 5/12, या कट कर आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ में कोई दिक्कत, देखते हैं हम लोग 3 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 का कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए पहले दिया क्या है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4। हम लोग चलिए एक फिगर पहले बना लेते हैं, ए बी सी, मान लीजिए यह 90 डिग्री है। चलिए तो कह रहा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बटा एच, यानी ए से देख रहे हैं तो पी कौन है 3। तो ए से देख रहे हैं तो पी सामने वाला भुंजा हो जाएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 और एच की मान कितना दिया हुआ है 4, यानी हमको निकालना है इसका वैल्यू मान कि यह साइड कितना सेंटीमीटर का है। तो चलिए निकालने के लिए पी यानी इसके अनुसार यह हो जाएगा बी। तो बी बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी अंडर रूट 7। तो बी का मान कितना आ गया √7। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। कह रहा है क्वेश्चन कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो ए से देखना है तो ए से देखेंगे तो यह पी हो जाएगा और जो बच जाएगा यह साइड बच जाएगा तो बी हो जाएगा। तो बी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, ए बी है बाटा कर्ण तो हमेशा सबसे लंबा भुजा ही होता है एसी। तो ए बी का मान कितना हम लोग निकाले हैं अभी यहाँ √7। तो √7 और एसी हो जाएगा आपका 4। उसी तरह टेन ए, टेन थीटा का मान होता है बी बटा पी, सॉरी पी बटा बी। तो P का मान क्या होगा, कहाँ किस एंगल से हम लोग देखेंगे, A से देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ tan A, अगर B रहता तो B से तो देखते नहीं, C रहता तो C से देखते, लेकिन दिया हुआ है A तो A से देखेंगे। तो A से सामने वाला P, P का मान 3 और B का मान √7। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 4 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। चलिए पहले दिया गया है कि चूंकि 15 cot A बराबर 8 है, पहले हम cot A का मान निकाल लेते हैं, इसलिए cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, यानी इस एंगल से देखना है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं, इसको A
बी सी यह मान लेते हैं कि यह क्या है 90 डिग्री है। तो कॉट ए थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी, यानी अगर ए से देखेंगे हम तो सामने वाला पी होगा तो पी का मान कितना है 15, और बी का मान यह हो जाएगा, ये तो हमेशा एच होगा सामने वाला भुजा, और यह हो जाएगा आपका बी, तो बी का मान 8 दिया था। पहले हम क्या करेंगे हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, कर्ण फाइंड करेंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच, यानी ए सी इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान इसके अनुसार क्या करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट इसका 225 प्लस 64, इसका मान आएगा रूट अंडर 289, और यह इसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर रूट होता है, 17 का स्क्वायर रूट होता है, यानी एसी का मान कितना आ गया 17। हम लोग क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए और सी के का मान ज्ञात करें, तो चलिए प्रश्न से हम लोग देखते हैं। प्रश्न से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था, पहले साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो ए से देखेंगे तो पी हो जाएगा बी सी और ए सी हो जाएगा आपका एच, यानी 15/17। अगर देखा जाए अब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी, क्योंकि सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मान होता है बी बटा एच, तो उसका अपोजिट है सेक, तो यह क्या हो जाएगा एच बटा बी। एच का मान क्या है ए सी है, और ए से देखेंगे तो सामने वाला जब पी है तो यह क्या हो जाएगा बी, यानी बी का मान क्या हो जाएगा ए बी। ए सी का मान है 17 और ए बी का मान है 8, क्या हो गया आपका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद 5 नंबर का सोल्यूशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सी एक थीटा बराबर 13/12 हो, चलिए पहले दिया है चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, अब हम लोग कहते हैं कि बताइए जो सेक थीटा होता है उसका मान क्या होता है, यानी होता है एच बटा बी, क्योंकि अभी 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि सेक जो होता है वह कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, तो कॉस के बराबर होता है बी बटा एच, तो इसलिए सेक जब उसका अपोजिट एच बटा बी। चलिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 13, बी दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ना, 12 दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे p बराबर व्हाट, तो p निकालते हैं, p बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यह आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो यानी h का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 5। चलिए हम लोग प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन सभी त्रिकोणमिति है, यानी एक दिया है, इसके अलावा कितने आइडेंटिटीज होते हैं रिलेशन 5, टोटल 6 होता है, एक तो दिया है एक 5 निकालते हैं हम लोग। चलिए यानी कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा दिया ही है, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो पी का मान है 5 और एच का मान कितना है 13, इसका होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना है आपका 12 और एच का मान 13, इसका होता है पी बटा बी, तो पी का मान होता है 5 और बी का मान 12, इसका हो जाता है इसका अपोजिट, जो कॉसिक होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो एच बटा पी यानी 13/5। उसी तरह जो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, बी बटा पी, बी का मान कितना है 12 और पी का मान कितना है 5, यही आपका क्या हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 5 से 10 तक का सोल्यूशन, आशा करते हैं कि समझ में आएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।